सो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग के लिए न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको लाइट मोशन की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो आप इसको इजीली मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो सिंपली आपको क्या करना होगा, प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ठीक है? और गाइज, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है सीक इफेक्ट और एक है बीटमा प्रोजेक्ट, ठीक है? तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है कि आपको किस तरह से सीक इफेक्ट और एक्सएमएल वगैरह डाउनलोड करना है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, हाउ टू डाउनलोड माई मटेरियल्स वाला वीडियो देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना होगा, डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको सबसे पहले आपको अपने बीट वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है? इसको आप जैसे ओपन करोगे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का लिरिक्स वगैरह देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से एनिमेट होता हुआ। तो सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पे आना है, ठीक है? और गाइस, यहाँ पर जो है हम लोग वन फोटो वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं, तो अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा, ऑसम लगेगा देखने में, ठीक है? तो बस आपको क्या करना होगा, पूरा वीडियो को एंड तक वॉच करना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से क्या करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, ठीक है? और यहाँ से अपने जो फोटो यूज़ करना चाहते हो सिंपली उस पर क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना, ठीक है? करने के बाद अगर आपका फोटो अच्छे से एडजस्ट नहीं है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना, फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना, ठीक है? थोड़ा और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके जूम इन जूम आउट कर लेना, ठीक है? इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, पूरा एंड तक आना है, ठीक है? फोटो पे लॉन्ग प्रेस करना, इस ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना, ठीक है? तो गाइस, वीडियो को जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक है? क्योंकि डबल बीट मार्क है, ट्रिम करेंगे, फिर नेक्स्ट बीट पे आएंगे, यहाँ पर सिंगल बीट मार्क है तो इजीली इसको ट्रिम कर लेना। जहाँ पर डबल बीट मार्क दिखेगा वहाँ पर डबल क्लिक करके ट्रिम करना, ठीक है? तो इस तरह से आपको क्या करना है कि आपको अपने इमेजेस को जो है ट्रिम करना है, ठीक है? इस तरह से सिंपली आपको आना है, यहाँ पर ट्रिम कर लेना इमेज को, और फिर लास्ट में तो सिंगल सिंगल बीट मार्क है, तो इस तरह से आपको ट्रिम करना है, ठीक है? तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा इमेज ट्रिम हो गया, ठीक है? इतना करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, ठीक है? सेक इफेक्ट वाली प्रोजेक्ट पर जाना, फर्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करना, ठीक है? इस पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना, ठीक है? फिर बैक आना, बीट मार्क प्रोजेक्ट पर जाना, और आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पे आना है, ठीक है? और जहाँ जहाँ आपको सिंगल बीट मार्क दिख रहा है ना, वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है? फिर डबल बीट मार्क दिखेगा जहाँ पर इमेज है उसको छोड़ देना, और यहाँ पर जो है आपका सिंगल सिंगल बीट मार्क के बाद जो इमेज है वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है? डबल बीट मार्क वाले को छोड़ देना, इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको पूरा एंड तक आपको अपने इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है? डबल बीट मार्क वाले को छोड़ देना, बाकी जितना भी इमेज मिलेगा सब में आपको इस इफेक्ट को पेस्ट करना है, ठीक है? ईजिली। तो गाइस, काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, फिर आपको लास्ट में भी दो लेयर दो इमेज में पेस्ट कर देना, ठीक है? जिसमें में इफेक्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इमेज में। तो इफेक्ट को पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट पे जाना है, और आपको क्या करना होगा, सेकंड इमेज पे क्लिक करना, इफेक्ट पे क्लिक करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना, ठीक है? फिर बैक आना है, बीट वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, और यहाँ से अब आपको पता चल गया होगा कहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट करेंगे। जहाँ पर हमने डबल बीट मार्क के पास जो इमेज था वहाँ पर छोड़ दिया था, तो वहाँ पर सिंपली इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? फिर आपको आगे आना है, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना डबल बीट मार्क वाले के पास, फिर आगे आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से गाइस, आपको इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, सेक इफेक्ट पर क्लिक करना, फिर यहाँ से तीन लेयर को सिलेक्ट करना, प्लस पर क्लिक करके कॉपी थ्री लेयर करना, ठीक है? फिर बैक आना, बीट वाले प्रोजेक्ट पर जाना, प्लस पर क्लिक करना, पेस्ट थ्री लेयर कर देना, ठीक है? उसके बाद आपको पूरा एंड तक आना है, फिर तीन लेयर को सिलेक्ट करना, इस ऑप्शन पर क्लिक करके पूरा एंड तक ले आना, ठीक है? आपका इफेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, उसके बाद आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मस्त लगेगा आपका वीडियो, ठीक है, देखने में। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर वाला आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।